हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है नमी क्राफ्टी वर्ल्ड में। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कढ़ाई मशरूम रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मुझे बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कढ़ाई मशरूम के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मशरूम, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और कैप्सिकम। इनको हम बड़ा बड़ा चॉप कर लेंगे, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को और लहसुन। और इनको हम चॉपर में या मिक्सी में, आप किसी में भी ले सकते हैं या आप कूट भी सकते हैं। इनको हम बहुत बारीक पीस लेंगे। मेरे पास जो चॉपर है इसमें बहुत बारीक तो नहीं पीसता है, लेकिन मेरे को थोड़ा दरदरा जो होता है ना वो मेरे को पसंद है, तो मैं इसलिए अपना चॉपर में ही ज़्यादातर काम करती हूँ। आप चाहें तो आप मिक्सी में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार ग्राइंड करते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी होती है फ्रेंड्स, और इसमें बहुत विटामिन्स होते हैं, विटामिन डी होता है मशरूम में, तो ये बहुत हेल्दी होती है। ये जो हमारी मशरूम है, मशरूम को बहुत अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही मिट्टी सी लगी होती है, जो खाद होती है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम बहुत अच्छे से वॉश करना है, 2-3 बार वॉश करते हैं। देखिए, और जो इसके ऊपर से एक लेयर भी होती है बहुत पतली, मेरे पास ये बहुत ही छोटी छोटी हैं और फ्रेश हैं, तो इस पर इतनी नहीं है। कभी कभी जो बड़ी होती हैं साइज़ में, उनके ऊपर एक लेयर होती है, आप चाहें तो उसको भी हटा सकते हैं। अब हम मशरूम हमारी वॉश हो गई हैं, और इसका ये जो पार्ट है, डंठल जिसको कहते हैं, इसको हम कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही रेसे होते हैं जो खाने में अच्छे नहीं लगते। इसको भी हम छोटे छोटे पार्ट में कट कर लेंगे मशरूम को। देखिए, इस तरीके से हम इसको हटा देंगे और इसको कट करेंगे, छोटे छोटे पीस बनाएंगे इसके। ये हमारी मशरूम भी कट के रेडी हो गई है। और ये जो हम कैप्सिकम और कुछ प्याज के हम बड़े बड़े टुकड़े कट करेंगे कैप्सिकम के जैसे। और अब हम जो मशरूम है हमारी, उसमें कुछ लोगों को क्या होता है ना, इसमें बहुत स्मेल आती है मशरूम में, कुछ लोगों को ये नॉनवेज भी लगती है, तो इसकी स्मेल हटाने के लिए और इसमें के लिए मैं क्या करती हूँ ना, इसको थोड़ा सा, इसको पहले गैस पे पैन लेंगे, पैन में डालकर और इसमें हम 1 ग्लास वाटर ऐड करेंगे और इसको उबाला देंगे, ताकि इसका जो एक्सेस जो स्मेल होती है ना वो पानी के थ्रू निकल जाती है, तो इससे हमें खाने खाते टाइम कोई स्मेल नहीं आती है, तो हम इजीली इसको खा सकते हैं। अब हम एक और दूसरा पैन लेंगे, साइड में हमारा वो चलता रहेगा, इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम होने दें। ये देखिए, साइड में मेरी मशरूम है, ये मैंने साइड में ही रख दी है, ये साइड बाय साइड चलता रहेगा प्रोसेस, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। तो इसको, तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें अब मैं ऐड करूँगी जीरा, 1/2 स्पून जीरा, जितना हम नॉर्मल सब्जी में डालते हैं उतना जीरा ऐड कर लेंगे। अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का, वो पेस्ट ऐड कर देंगे। इस पेस्ट को अच्छे से भुनना है फ्रेंड्स, तो इसको हम एक बार अब चलाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको प्रॉपर अच्छे से भुनेंगे, ताकि जो टमाटर और प्याज हैं वो अच्छे से पक जाएं। अब देखिए, साइड में जो हमारी मशरूम है ये उबल रही है, तो इसमें जो पानी होता है ना, ये थोड़ा ब्राउनिश ब्राउनिश होने लग जाता है, ये इससे पता चल जाता है कि मशरूम का जो एक्सेस है वो निकल गया है, पानी भी इसका एक्सेस निकल जाता है, और उसकी जो स्मेल होती है वो भी पानी में ही जो निकल जाती है, तो ये जो ब्राउन ब्राउन हो गया, देखो पानी अब ब्राउन हो गया है। अब देखिए, हम साइड में अपने ये भी संभालते रहेंगे, बार बार चलाते रहेंगे कि पक गया है कि नहीं। अभी इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे, तो इसको चलने देते हैं। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं, जब ये आधा पक जाए, इसमें हल्दी, किचन किंग, या आप मसाला, कोई भी मसाला आप डाल सकते हैं, गरम मसाला अगर आपको पसंद है, और ना भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं, ऑप्शनल है टोटली। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है, लाल मिर्च मैंने ज़्यादा ऐड नहीं की है, तो इसका कलर मैं ऐसा ही रखूँगी, क्योंकि हम लाल मिर्च पर्सनली बहुत कम खाते हैं, तो हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कलर इसका ऐसे ही आएगा। आप चाहें तो आप पूरा लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं।
अब हम इसको ढक के सिम करके गैस थोड़ी देर रख देते हैं। अब साइड में हम मशरूम का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल ब्राउन हो गया है, मुझे अब ये लग रहा है कि सही से पक गई है। अब जो इसका ये पानी है इसको मुझे निकाल देना है, ये पानी हम निकाल देंगे। ये देखिए मैंने पानी निकाल दिया, अब इसको फिर से गैस चलानी है और इसको फिर से गैस पे रख के इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करूँगी, पहले इसका पानी सूख जाए वरना तो ऑयल में फिर छींटे आते हैं। देखिए ये भी हमारी पक गई है लगभग, तो इसको हम सिम पे छोड़ देते हैं जब तक हमारे मशरूम और जो हमने शिमला मिर्च, कैप्सिकम और प्याज जो कट किए थे उनको भी हम भुनेंगे। ये देखिए पानी इसमें सूख गया है, अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इसमें बस एक ही स्पून इनफ होता है। अब इसमें जो हमारे कैप्सिकम हैं और जो हमने प्याज मोटे मोटे से कट किए थे वो हम डालेंगे और उनको हम फ्राई करेंगे। इसको ऐसे चलाते रहना है और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। लगभग ये 60-70% पक जाने चाहिए इस फ्राई में, क्योंकि हमारी जो ग्रेवी है वो हमने लगभग पका दी है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे कि ये उसमें पक जाए। तो इसमें इसी पैन में हम इसको अच्छे से पका लेंगे 60-70%। अब इसमें हम मशरूम भी ऐड करेंगे। तीनों को मिक्स करके थोड़ी देर पकाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में ज़्यादा 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको पकाने में, इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। ऑयल भी हमारा लगभग ये पूरा ऑब्जर्व कर चुके हैं, तो अभी नीचे ना लगे तो बस इसको इसीलिए हम 60-70% तक पकाते हैं। ये लगभग पक गए हैं और जो टमाटर और जो कैप्सिकम, सॉरी जो प्याज और जो कैप्सिकम है वो हमारे थोड़ी सी सब्जी में क्रंचीनेस रहने चाहिए, ये हमें पूरे 100% नहीं पकाने हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, इसमें कोई पानी नहीं रहा है, अब ये लगभग तैयार है। अब इसमें हम जो हमारे कैप्सिकम, मशरूम और प्याज है ये मिक्स कर देंगे। देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको लगभग 2 से 3 मिनट ही अब हम पकाएंगे, क्योंकि ये हमारी जो कैप्सिकम और ये है लगभग पक गए हैं, ग्रेवी हमारी पहले ही पक चुकी थी, तो इसको हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाएंगे वरना ये बहुत ही सूखी सूखी सी बन जाएगी ना, वो हमें ड्राई नहीं बनाना है। इसको 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। देखिए हमारी सब्जी जो है कढ़ाई मशरूम रेडी हो चुकी है, देखिए ना ये बिल्कुल ड्राई है और इसमें थोड़ी ड्राई ग्रेवी है। ये हमारी मशरूम कढ़ाई बनकर तैयार है। फ्रेंड्स आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना एक बार बनाने की। इसमें बहुत मशरूम में बहुत विटामिन डी होते हैं। थैंक